अल्पेश यादव को लेकर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से आई बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, ऑफिशियल पेज से ये न्यूज़ आई है जहां पर लिखते हैं थाना सेक्टर 49 पर दोस्तों बात कर रहे हैं अल्पेश यादव और सिद्धार्थ आदि के विरोध भादवीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वो NDPS अधिनियम की धाराओं में पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के क्रम में NDPS अधिनियम की धाराओं में परिवर्तन वृद्धि की जा सकती है। अतः उपरोक्त अभियोग में संशोधित धाराओं को माननीय न्यायालय की रिमांड स्वीकृत कराकर विवेचना की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक न्यायालय का फैसला नहीं आया कि कौन सी धारा हटाई गई कौन सी नहीं हटाई गई। अभी जो दोस्तों पुलिस स्टेशन से और वकीलों द्वारा जो बयान आ रहे हैं वही दोस्तों सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, वही दोस्तों हम बता रहे हैं और बाकी न्यूज चैनल भी वही बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों NDPS एक्ट की धाराएं हटाने के संबंध में कृपया भ्रामक और असत्य तथ्य प्रसारित न करें। जी हाँ, ये बताया गया है दोस्तों, बात करें पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए किस तरीके से दोस्तों अल्पेश आर्मी का लिखा है कि NDPS का जो एक्ट है वो दोस्तों अब पूरी तरीके से खत्म हुआ है या नहीं, ये दोस्तों अभी तक दोस्तों शंका में। और जो लॉयर और बता रहे हैं पुलिस कमिश्नर के कुछ जान पहचान वाले दोस्तों, कुछ पुलिस वाले भी बता रहे हैं, वो अभी तक कोई भी सबूत नहीं है। जब हमारे पास केस आएगा तो हम देखेंगे कौन सी धारा हटानी है कौन सी नहीं हटानी है, जो हमें वकील बोलेंगे वो उसके बाद जो होगा वो दोस्तों हम आपको न्यूज़ देंगे। इसलिए आप किसी भी भ्रामक जानकारियों पर दोस्तों और असत्य तथ्यों पर दोस्तों विश्वास न करें। उसके बाद दोस्तों अल्पेश आर्मी देख लीजिए, इट इज़ श्योर हावर आर बिफोर नाउ इट इज़ कम्प्लीटली रिमोट आई थिंक सो। तो फिर लिखी क्यों ऐसे, फिर जो समझ ही नहीं आया, देख लीजिए किस तरीके से लिख रहे हैं मीडिया वाले ही स्प्रेड किया है, बेल होगी क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अल्पेश यादव की जमानत को लेकर काफ़ी इंतज़ार में है दोस्तों अल्पेश यादव की आर्मी और फैनगर। जी हाँ, हर कमेंट कर रही हैं और दोस्तों सोशल मीडिया पर सभी को कह रही है कि अल्पेश यादव बेगुनाह है और उन्हें रिहा करें, रिलीज अल्पेश यादव के दोस्तों हैशटैग भी ट्रेंड करवा रही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।